हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय, जो कि नवरत्न मंदिर के रूप में 1923 में निर्मित किया गया था और बाद में यह केंद्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। और यह इंदौर के नवलखा बस स्टैंड से थोड़ा सा दूर GPO स्क्वायर के पास में है और इसके पास में यहाँ पर ये इंदौर जू भी है, तो इससे थोड़ी सी दूरी पर है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और उसके बाद फिर वहाँ भी आप घूम सकते हैं, वो पीछे वहाँ पर दिख रहा है। तो अभी चलते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हम इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर समय लिखा हुआ है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यह खुला रहता है। सोमवार को अवकाश रहता है, तो बाकी दिनों में आप आ सकते हैं। ये है हेलियोदर का गरुड़ ध्वज, जो कि विदिशा में बेतवा और बीएस नदी के संगम के निकट स्थित है। संग्रहालय में जाने के लिए आपको 20 रुपये की यहाँ पर टिकट मिलती है पर पर्सन की, तो यहाँ से आप ले सकते हैं टिकट और अंदर टिकट चेक करेंगे उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप पार्किंग भी दी हुई है, तो आप यहाँ पर पार्किंग भी कर सकते हैं, उसके बाद अंदर जाइएगा और काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप अच्छे से घूमिएगा। तो गाइज, अभी मैं सेंट्रल म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेंट्रल म्यूज़ियम और यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बाहर हैं जिनकी मतलब खंडित भी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिर नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जिनको पहले राजा युद्ध करते थे तो खंडित कर दिया करते थे। और यहाँ आपको बाहर काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, यहाँ लाइन से आप देख सकते हैं, और इधर भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, तो आप यहाँ पर पहले मूर्तियाँ देख सकते हैं फिर अंदर जाके आप काफ़ी सारी अस्त्र शस्त्र और काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए अब संग्रहालय के अंदर चलते हैं और अंदर की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर होलकर वंश के सभी शासकों के जन्म दिनांक और शासन कालावधि लिखी हुई है और यहाँ पर राजवाड़ा का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको पुरालेख वीथिका दिखेगी, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ताम्रपत्र जिन पर लिखे हुए लेख दिखेंगे और ये काफ़ी सारे अलग अलग शासकों के यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर परमार शासक देवपाल का शिलालेख है। यहाँ पर मंडप दुर्ग प्रस्तर लेख हैं जो कि मांडू से प्राप्त हुआ है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परमार नरेश नरवर्मा देव का ताम्रपत्र लेख, जो कि राजपुर बड़वानी से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर भोजदेव परमार का पीपलदा ताम्रपत्र और बेटमा दान पत्र भी हैं। पुरालेख विथिका के बाद यहाँ पर आपको मुद्रा विथिका कोइंस गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग शासकों के सिक्के रखे हुए हैं और उस टाइम पर जो मुद्राएं चला करती थी वो यहाँ पर संचित कर दी गई हैं। और यहाँ पर मुद्रा विधि की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सिक्कों की कहानी को दर्शाया गया है, किस प्रकार से सामान्य सा पत्थर सिक्कों का रूप लिया करता था और किस प्रकार से उसकी ढलाई होती थी और किस प्रकार से ये बनाया जाता था। यहाँ पर तुजोकी राव प्रथम की मुद्राएं और अहिल्याबाई की मुद्राएं यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा होलकरकालीन मोहरे भी यहाँ पर रखी गई हैं। इसी प्रकार अनेक शासकों की मुद्राओं को यहाँ पर संकलित किया गया है, तो आप यहाँ पर शासकों के नाम भी पढ़ सकते हैं और उनकी मुद्राओं को देख सकते हैं। और अब देखिए रोमन और आहत सिक्के किस प्रकार के हुआ करते थे। तो चलिए अब संग्रहालय की पहली मंजिल पर चलते हैं और वहाँ के अस्त्र शस्त्र और चित्रकला आपको दिखाते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी गई हैं, जिनका नाम भी यहाँ पर लिखा है और उनका काल भी लिखा हुआ है। यहाँ पर रुक्मणी, गजाभिषेक लक्ष्मी, भैरव, उमा महेश्वर, विठ्ठल रुक्माई, हनुमान, अन्नपूर्णा, नरसिंह लक्ष्मी जैसी कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ पर इंदौर और भोपाल रियासत के काफ़ी सारे पदक रखे हुए हैं। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो कि विदेशी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हुई प्रतीत होती हैं। Thank you.
इसके बाद यहाँ पर आपको चित्रकला विथिका यानी पेंटिंग्स गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर काफ़ी प्रकार की पेंटिंग्स रखी हुई हैं जो कि संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाती हैं। यहाँ पर वीणा वादिका की एक चित्रकला आपको देखने को मिलेगी, जो कि हाथ में वीणा लिए हुए हैं और इसके पास में काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर नृत्यांगना 20वीं शती ईस्वी की चित्रकला रखी गई है और इसके पास में एक और वीणा लिए हुए चित्रकला रखी गई है, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास 19वीं सदी की चित्रकला रखी गई है। यहाँ पर राधा कृष्ण और वीणा वादिका की चित्रकला रखी गई है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके अगले पार्ट में आप देखिएगा अस्त्र शस्त्र विथिका और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर उसके बाद तक की इतिहास की कहानियाँ।